नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। फ्रेंड, कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दी है फ्रेंड, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आगामी बहुत से ऐसे एग्जाम है जो आपको क्रैक भी करने हैं, तो फ्रेंड शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम कुछ पांच टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक से आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चार आदमी या सात औरतें एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो आठ आदमी और सात औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको लिखना है, चार आदमी या सात औरतें एक काम को 60 दिन में कर रही हैं, तो 4 × 60 × 60, ठीक है, 4 × 7 × 60, ठीक है। फिर क्या कर देना आपको, 4 × 7 + 8 × 7, ठीक है, 4 × 7 + 8 × 7, ये जोड़ देना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा आठ आदमी और सात औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स आप करिए, 4 × 7 × 60 अपॉन 4 × 7 = 28, 8 × 7 = 56, 2856 कितने हो गए, 8 × 6 = 14 और 84 हो गए। फ्रेंड्स मैं नीचे कर देता हूँ, फ्रेंड्स तो ये कितने हो गए, 4 × 7 × 60 / 84, ठीक है, उन दोनों का योगफल 84 आ गया था। और फ्रेंड 7 × 4 = 28, 28 * 3 कितने हो गए, 84, ठीक है, और 3 का भाग कर दिए तो 20, ठीक है, 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड सिंपली कुछ नहीं करना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कैसे करना था, आपको फिर से एक बार बता दूँ, चार आदमी या सात औरतें एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, 4 × 7 × 60 अपॉन चार और आदमी या सात औरतें, अब इनको नीचे भी इंटू कर लेंगे, 4 × 7 और आठ आदमी और सात औरतें पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो +8 × 7, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, तो आप कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर 20 सही आ जाएगा, तो डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से मदद से कभी कभी एग्जाम पूछे आते हैं, तो विद इन 15 सेकेंड में आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 8820 और 4 वर्ष में 9261 हो जाए, तो आप दर ज्ञात करने हैं। तो फ्रेंड 15 सेकेंड में कैसे करेंगे दर ज्ञात। तो फ्रेंड अगर वो कह रहा है 3 वर्ष में भैया 8820 हो गई, ठीक है, 4 वर्ष में 9261 हो गई, तो हम 4 में से 3 घटा देंगे, तो फ्रेंड 1 वर्ष आ जाएगा बराबर। अगर मैं 9261 में से 8820 घटा दूँ तो कितना आएगा फ्रेंड, ये आ जाएगा 441, ठीक है, तो 1 वर्ष बराबर कितने हो गए, 441 रुपये के बराबर। तो यहाँ से रेट कैसे निकालेंगे यानी कि दर कैसे निकालेंगे, तो 441 × 100 अपॉन आपको इससे भाग दे देना 8820 से, ठीक है, भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया और 441 × 8, ठीक है, 2 × 5 = 10, तो फ्रेंड 5% आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5% आपका सही आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, डी ऑप्शन है, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा देंगे। तो फ्रेंड सिंपली क्या करना था, तीसरे वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना, सिंपली 4 में से 3 वर्ष घटाइए, तो 1 वर्ष 9261 में से 8820 घटाइए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 441, फिर 441 में फ्रेंड्स क्या करना है आपको, 8820 जो 3 वर्ष का जो ब्याज है उससे भाग दे देना है और 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, तो इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि उसके परिवार के सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए तो शेष सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है, तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य की आयु क्या है। तो सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं, आपको क्या करना है, देखो मैं थोड़े से स्पेस में ही कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, इतनी छोटी ट्रिक है। तो 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो गई, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 7 × 18 कर लेंगे, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। फिर क्या करना है आपको फ्रेंड्स, यदि उसके परिवार के सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए, यानी कि टोटल जब 7 सदस्य थे अब एक हटा दिया तो यहाँ कितने बचेंगे, 6 सदस्य, ठीक है, और जो कह रहा है फ्रेंड शेष सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु हमें 18 वर्ष दे रखती थी जब 7 लोग थे, ठीक है,
अब औसत आयु कितनी करवा रहा, 5 वर्ष कम, तो यहाँ 18 में से 5 घटा दिए तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, अब 13 × 6 कितने हो गए, 78। तो ये योगफल कितना आ गया, 78। 126 में से 78 घटा दिए तो परिवार के बड़े सदस्य की आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 48। तो फ्रेंड 48 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैंने बता दिया क्या करना था इसमें, फिर से एक बार बता दूं फ्रेंड्स, औसत आयु सबसे पहले 7 जनों का योगफल निकाल लीजिए, 7 सदस्य हैं, 18 बार औसत आई है, तो 18 × 7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। और फ्रेंड्स एक परिवार के सबसे बड़े सदस्य को हटा दिया तो 6 सदस्य बचे, और औसत आयु में 5 वर्ष कम कर दिया उसने, औसत आयु 18 देर की, 5 घटा देंगे कितने बचेंगे, 13। तो फ्रेंड 6 × 13, 13 × 6 = 78, यानी कि 78, 126 में से 78 घटा देंगे तो 48, जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य की आयु थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है, ये क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछे आते हैं, तो फ्रेंड विदिन 1 सेकेंड में आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको 7 से विभक्त होने वाली जो डिवाइड जा रहा है 7 से, आप ऐसे करेंगे 7 से 7 गया, फिर 14 गया, फिर 21 गया, ऐसा नहीं करना आपको, मैं बता रहा हूँ इसमें कैसे करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये देखेंगे 200 से नीचे पहली संख्या क्या है, ठीक है, बहुत जो 200 से विभक्त हो रही हो, तो फ्रेंड आप मान लीजिए 196 ले लिए, ठीक है, 200 से जस्ट पहले है जो डिवाइड हो रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 200 से जस्ट पहले कौन सी हो रही है डिवाइड, 196, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें से क्या करना है आपको, 7 घटाना है और 7 का ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो गया फ्रेंड, 196 में से 7 गए, कितने बचे, 189/7, ठीक है, और इसे भाग दे लीजिए, 7 × 2 = 14 और 77 × 49 = 27, ठीक है, ये आ गया 27। बाद में आपको क्या करता है ना, इसमें एक और जोड़ देना है तो 28 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके आपको एक और जो 28 आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं कैसे करना है, 200 से जो छोटी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड जा रही होगी आपको वो देखना है। ठीक है, 196 7 से डिवाइड जा रही है, बाकी 200 से ऊपर हो जाएगी 7 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 200 से जस्ट वो संख्या लेनी है जो डिवाइड हो रही है, जस्ट पीछे वाली। ठीक है, तो 196 ऐसी है जो जस्ट उसके बगल में है जो कि 7 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्या करेंगे, 196 लेंगे, 7 घटाएंगे, इसमें 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी कितनी, 27। ठीक है, बाद में जो 27 आ जाए उसमें एक और जोड़ देना आप, तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी छोटी ट्रिक है, आराम से आप कर सकते हैं। बात करें आगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड, 5 ही मैंने क्वेश्चन रखे थे इसमें, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मैं भाग 2 भाग 3 ऐसे ही आपको समझा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आता है, 7 cos θ + 24 sin θ, तो इसमें का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम मान कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है ना कॉस के पीछे और साइन के पीछे, इन्हें क्या करना है, अंडर रूट में रख के 7² + 24² कर देना है, या आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, आपको 7² + 24² लिखना है। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 625 आ जाएगी, जो किसका है फ्रेंड, 25 का। ठीक है, और 25 ही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर जोड़ देना है, और अंडर रूट में 625 आ जाएगी, और ये किसका होता है, 25 का होता है, 25 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये थे फ्रेंड कुछ 5 शॉर्ट ट्रिक्स से, अगर फ्रेंड वीडियो वाकई पसंद आएगी, अगर नहीं भी आई तो भी मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो ये भाग 1 था फ्रेंड, अगला भाग 2 लेके मैं जल्दी हाजिर हूँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।